और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। थाना क्षेत्र के दिव्यापुर के अंतर्गत चौकी हरचंदपुर में गांव गढ़े का पुरवा में सागर नर्सरी, जिसके संचालक चरण सिंह राजपूत की नर्सरी में गांव के कुछ लोगों की गुलमोहर केशिया के लगभग सैकड़ों पौधों के नीचे काट दिया। पेड़ काटने वाले लोगों का नाम शिवम है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम ने लोगों से बात की तो सच्चाई सामने आई कि शिवम ने गांव के लक्ष्मी में 4.25 बीघा खेत खरीदा था, वहीं उसी खेत पर लकड़ी काट रहे थे। नर्सरी मालिक ने जब पूछा कि इसका परमिशन है, वह परमिशन नहीं दिखा पाए। हरचंदपुर चौकी पुलिस ने नर्सरी मालिक से 4 दिन के अंदर अपने बैड डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा, तब तक जगह की यथास्थिति रहेगी, कोई भी नर्सरी का पेड़ नहीं काटा जाएगा। चाहेंगे जो आपकी बगीचा काटा गया है? ये सर, मैंने इसको पैसे दिए थे, इसने बेचा, जो नाम क्या, लक्ष्मी नारायण जी, वो मैं 6 साल पहले हम पैसे ले लिए थे 44,000 और बेच दिया अपने परिवार के चचेरे भैया को। पैसे आपसे भी ले लिया, बहनामा दूसरी जगह कर दिया। मुझे पता नहीं था कि मतलब हमें ही पता नहीं था ये इन्हें बेचा, तो खाली करवाया था मैंने कहा खेती है किसका था? ये खेत का नाम लक्ष्मी नारायण। अब किसको बेचा गया? ये बेचा गया का नाम क्या, रामू नहीं, नाम और कुछ है, शिवम को बेचा। ये आपकी नर्सरी के पौधे ये किसने काटे? ये शिवम प्रतिभा लाखन रतन ने काटे। ये नर्सरी में किस किस के पौधे थे आपके? ये देखा ना, अमरूद, आम और केसिया, गोल्ड मोड। कोई आदेश था इनके पास पौधे काटने का? डायरेक्ट काट दिए? कोई आदेश नहीं था, तंजी है अर्जुन है। पुलिस को सूचना दी आपने? सर हाँ, 100 नंबर पे दी। 100 नंबर वाले आए क्या? आ गए और चौकी में दी गांव दुर्गा जी को, दुर्गा जी एडिटिंग में आए हसनपुर चौकी। ओके, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।